न्यूज ब्रेक में किसी तरह का विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें अनिल खुराना 9814198141, जितेंद्र शर्मा 7355622222 पर संपर्क करें। पठानकोट के गांव मुगला में उस समय तनावपूर्ण हो गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले सिविल अस्पताल में भेजा, जहां शव को पोस्टमार्टम रूम में रखा गया। आपको बता दें कि मृतक पठानकोट इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है और शहर में लैपटॉप बेचने का कार्य करता था। परिवार वालों की माने तो मृतक का कत्ल किया गया है और पुलिस से जांच की अपील की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि मोबाइल भी चुके बाहर सुटे मोबाइल के रगड़े पत्ते पुते पे मोबाइल सवेर तक तो फोन स्विच ऑफ ही पांच बजे कितना ऑन हो गया। दूसरी तरफ जब इस संबंधी एसपी प्रभजोत सिंह विर्क से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव कोटली मुगला के नजदीक किसी की लाश मिली है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, मोहित अग्रवाल नाम का जो व्यक्ति है इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला, उसकी तरफ कल रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैम, इस संबंध में हमें सुबह 4 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोटली में ऐसा एक मोहित नाम का आदमी है जो इंदिरा कॉलोनी में रहता है, जिसकी ड्यू टू हैंगिंग से वहां पे डेथ हो गई है। उसकी जो पोस्टमार्टम करवा के 302 का पर्चा सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दिया गया और उसकी ये तफ्तीश अभी चल रही है। सर, क्या लगता है कि ये मर्डर है या सुसाइड का मामला है? ये भी तो इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, सब तथ्यों को देखकर फिर ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। अभी इतनी जल्दी मैं एकदम नहीं कुछ बता सकता। मैम देखिए, उनकी अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट कोई आती है या ऐसा कोई उससे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आता है तो जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे।